आज हम बात कर रहे हैं शिमला की, जो कि ब्रिटिशर्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे भारत की समर कैपिटल बना दिया। तो बात कर लेते हैं कि आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। तो शिमला पहुंचने का बेस्ट वे है कालका शिमला टॉय ट्रेन में बैठकर आना। कालका शिमला टॉय ट्रेन की जर्नी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है और 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। यदि आप शिमला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपकी ये जर्नी बहुत सारे टनल्स और कर्वी ट्रैक के थ्रू होते हुए गुजरेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें। शिमला को क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। बाद में शिमला कैपिटल बनी ब्यूटीफुल स्टेट हिमाचल की। कालका शिमला जर्नी आप टॉय ट्रेन में 5 से 6 घंटे में पूरी कर लेंगे। शिमला का रेलवे स्टेशन मॉल रोड के काफ़ी नज़दीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आप शिमला आएँ तो कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहला लोकेशन आप जो विज़िट कर सकते हैं वो है द रिज, स्कैंडल पॉइंट एंड मॉल रोड। रिज पर आपको क्रिस्ट चर्च भी देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है। ये टोटल व्हीकल फ्री जोन है, यहाँ पर किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। रिज और माल रोड पर आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की काफ़ी सुंदर बिल्डिंगें देखने को मिल जाती हैं। यह शिमला का स्कैंडल पॉइंट है। महाराजा ऑफ पटियाला को ब्रिटिश वॉयसराय की बेटी से प्यार हो गया था और इसी जगह से 1892 में उन्हें साथ ले गए थे, इसीलिए इसे स्कैंडल पॉइंट भी कहा जाता है। रिज पर ही आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 100 रुपीस होता है। यहाँ पर बच्चे बड़े सभी हॉर्स राइडिंग का आनंद लेते हैं। थैंक यू। ये है शिमला का माल रोड, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर होटल्स काफ़ी महंगे होते हैं, जिसका रेंट पर डे 1500 से 5000 तक हो सकता है। इस रोड से आप डायरेक्ट वॉक करके छोटा शिमला भी जा सकते हैं। ये रास्ता सीधा लोअर बाजार की तरफ जाता है, आप लिफ्ट भी यूज कर सकते हैं। ये है फेमस लोअर मार्केट, यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। माल रोड के कंपैरिजन में ये मार्केट काफ़ी सस्ता है, यहाँ आपको इंपोर्टेड कपड़े काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं।
लोअर मार्केट में ही आपको आर्य समाज मंदिर मिल जाएगा। मॉल रोड से यदि आपको कार्ट रोड जाना है तो आपको डायरेक्ट हिमाचल टूरिज्म की लिफ्ट मिल जाएगी, जो आपको मॉल रोड से कार्ट रोड डायरेक्ट 10 रुपीस में पहुंचा देगी। रिज और मॉल रोड के बीच में रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, जहां पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहां से आप शिमला का सुंदर व्यू भी देख सकते हैं। रिज के बाद आप विजिट कर सकते हैं जाखू टेंपल, जो कि रिज शिमला से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बाय वॉक, कार एंड रोपवे से टेंपल पहुंच सकते हैं। चीपेस्ट वे है हिमाचल टूरिज्म की शेयर्ड टैक्सी, जिसका किराया 20 रुपये मात्र है। यदि आप रोपवे का यूज़ करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन का किराया 495 रुपीज़ है। बाय वॉक आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। जाखू टेंपल जाखू पीक पर लोकेटेड है और जाखू पीक मेन शिमला का हाईएस्ट पीक भी है और ये समुद्र तल से 8050 फीट ऊपर है। जाखू टेंपल में श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति भी है। ये वही प्लेस है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब उन्होंने यहां पर कुछ देर आराम किया था। इस समय हम हैं लक्कड़ बाजार बस स्टैंड पर। यहां से आपको डायरेक्ट कुफरी के लिए बस मिल जाएगी, जिसका टिकट कॉस्ट 27 रुपीज़ है अप टू कुफरी। लक्कड़ बाजार शिमला से कुफरी की दूरी 14 किलोमीटर है। यहां आप बस से 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। हमारा नॉर्मली घुमाने का वो भी दिया हुआ टाइमिंग, बट उससे ऊपर लगाना वो आपके डिपेंड करता है। हॉर्स का अच्छा लग रहा 500 का मेरे को। हां घूम के आ जाओ, गेम्स अगर नहीं करना ना, दैट इज नॉट कंपल्सरी सर। बैठो भैया, कहां पकड़ के लेके जाएगा इसको क्या? हेलो क्या बोले क्या है?
भाई ये सब कंट्रीज साला वेख के लता पासे हो गया तो भाई देख के लग जाएगा लगा नहीं नहीं ठीक है रोहित भाई थैंक यू वेरी मच
संजोली मार्केट यूनियन संजोली।